हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज किस वीडियो में हम कवर करेंगे पजल का टॉपिक। जो आज हम कवर करेंगे वो लाइन पजल हमारी है, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए। ये आप पजल आपको आएगी 5 नंबर की, और जो पजल का पूरा टॉपिक है वो आपको आएगा 5 से 15 नंबर का हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में, राइट। तो आज की पजल को सॉल्व करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये जो आज की पजल है, इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो देखिए, आज की जो पजल है वो हमारे पास लाइन पजल। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे बोला है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जो है वो हमारे पास एक रो में बैठे हैं और उन्होंने फेसिंग की है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो देखिए, अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक बना लेंगे केस वन, ये बन गया हमारे पास केस टू, ये बनाएंगे केस थ्री और एक बना लेंगे केस फोर, राइट। यहाँ पे लिख लिया हमने इसको केस वन, केस टू, केस थ्री और केस फोर। और यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि हर एक पर्सन जो है वो फेसिंग कर रहा है किसको, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन बना लेंगे हर एक की, बना ली, राइट। अब हमें पता नहीं कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। और इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे अगर पर्सन नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर रहा है तो उसका लेफ्ट कहाँ होगा, ये उसका लेफ्ट होगा, ये उसका राइट होगा, राइट। लेफ्ट और राइट का भी आपको पता लग गया। अब उसके बाद चलते हैं जब हम स्टेटमेंट के ऊपर। तो देखिए, अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं फोर पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड टी। जो सी एंड टी है, इनके बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, हमारे पास फोर पर्सन बैठे हैं। तो देखिए, यहाँ पे बना लेंगे हम सी और टी बना लेंगे हम, फोर पर्सन बैठे हैं किसके बीच में, सी और टी के बीच में। तो हमने सी और टी के बीच में फर्स्ट केस में बैठा दिए फोर पर्सन। अब हम सेकेंड केस में बैठाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी और यहाँ पे आ जाएगा सी। तो देखिए, अब हमारे पास दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या आ रहा था, सी और टी के बीच में फोर पीपल आ रहे थे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोले, फाइव पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड सी। जो ई एंड सी है, इन दोनों के बीच में पांच पर्सन बैठे हैं। तो देखिए, हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट को यहाँ पे हम फर्स्ट केस में सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका मतलब हमारे पास ई कहाँ पे आएगा, फर्स्ट केस में यहाँ पे आएगा, तभी हमारे पास सी और ई के बीच में पांच पर्सन बैठे हैं। और सेकंड केस में हमारे पास ई कहाँ पे आएगा, एक दो तीन चार पाँच और छ, राइट। तो अब हम देखेंगे तो सी और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे थे, पांच पर्सन बैठे थे, राइट। ये तो होगी बात हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड केस के बारे में। यहाँ पे देखिए, एक और केस बनेगा। अब सपोज कीजिए, ये हमारे पास यहाँ पे था सी और यह एक दो तीन चार, सी और टी के बीच में कितने पर्सन बैठ रहे थे, यहाँ पे चार पर्सन बैठ रहे थे। अब हमारे पास एक केस यहाँ पे बनेगा, एक दो तीन चार पाँच। तो हम ई को इस डायरेक्शन में भी बिठा सकते थे। अगर हम ई को सी के लेफ्ट में बिठाएंगे तब भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, राइट। तो इस केस में भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जो फर्स्ट केस था, इसका हमने एक्सटेंशन बना दिया केस नंबर थ्री, राइट। अब हम जो केस नंबर सेकेंड है, इसकी एक्सटेंशन बनाएंगे केस नंबर फोर। तो देखिए, हमारे पास केस नंबर फोर क्या था, यहाँ पे था टी, यहाँ पे था टी, और टी और सी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन थे, चार पर्सन बैठे थे। और हमारे पास क्या बोला था, ई और सी के बीच में पांच पर्सन बैठे हैं। तो हमारे पास फोर्थ केस में एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, राइट, पांच पर्सन बैठ गए। तो देखिए, अब हमारे पास जो ई और सी वाली स्टेटमेंट है वो भी क्लियर हो चुकी है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि हमने क्यों फोर केस बनाए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो क्या बोल रहा है, के इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। जो ई है उसके सेकंड राइट पे कौन बैठा है, हमारे पास के बैठा है। तो हमारे पास फर्स्ट केस में के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए, अब इसका ई यहाँ पे था ई, तो ई का लेफ्ट कहाँ पे होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा, क्योंकि ई कहाँ पे फेसिंग कर रहा है, हमारे पास नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। जब मैंने ऊपर क्या बोला था आपको, नॉर्थ की तरफ फेस करेगा तो उसका लेफ्ट कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में, राइट कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में, राइट। ये बात आपको क्लियर होगी। तो इसीलिए हमारे पास फर्स्ट केस में ई के सेकंड राइट पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा। तो इसका मतलब के कहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है, राइट। यहाँ पे आपको बात क्लियर होगी। इसके बाद देखिए, हमारे पास सेकंड केस में हमने बैठाना है के को। तो सेकंड केस में हमारे पास ई के अगर सेकेंड राइट में देखें तो यहाँ पे ये था हमारे पास ई का फर्स्ट राइट, ये था सेकेंड राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा के, राइट। तो सेकंड केस में भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास ये था
ई, तो ई के सेकंड राइट पे कौन बैठा था, के बैठा था, तो ये था फर्स्ट राइट, ये था सेकंड राइट, तो थर्ड केस में भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए फोर्थ केस में, अब जो फोर्थ केस है इसमें अगर हम ई के बाद एक पर्सन छोड़ दें और यहाँ पे के को बैठा दें तब भी हमारी कंडीशन क्या थी, सेटिस्फाई हो रही थी। तो ई के सेकंड राइट पे कौन आ रहा था, के आ रहा था। तो देखिए अब हमारी जो के तक की स्टेटमेंट है वो सारी क्या होगी, क्लियर हो चुकी है और उनके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम में उनको पर्सन को बैठा दिया है, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, वो क्या हो रहा है, टी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड वी, जो टी है वो एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड वी बैठा है और उसके बाद बोला है वी। अब आपको एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज करेगी कि हु यूज हुआ है, वो किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, तो जो भी इसके साथ नियरेस्ट पर्सन होगा उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही होगी, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पे हु किसके साथ लगा था, वी के साथ, तो यहाँ पे वी की बात हो रही थी कि हमारे पास क्या बोला था, टी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड वी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, जो वी है वो किसके थर्ड राइट में बैठा है, बस सी के थर्ड राइट में बैठा है। तो पहले हम क्या करेंगे, वी की जो पोजीशन होगी इसको बना लेंगे, तो वी कहाँ पे बैठा था, सी के थर्ड राइट पे बैठा था। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट केस में वी कहाँ पे आएगा, ये था हमारे पास सी फर्स्ट केस में, तो इसका थर्ड राइट कहाँ पे होगा, ये इसका फर्स्ट राइट हुआ, ये इसका सेकेंड हुआ, ये इसका थर्ड राइट हुआ, राइट। तो इसके थर्ड राइट में कौन आया हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास वी आ गया, राइट। और इसके बाद देखिए हमारे पास टी कहाँ पे बैठा था, टी बैठा था ओ और वी के बीच में, राइट। तो फर्स्ट केस में हमारे पास ओ कहाँ पे आ जाएगा, अब देखिए ये था वी और इनके बीच में, वी और टी के बीच में एक पर्सन का गैप था, तो हमारे पास अब हम टी और ओ के बीच में भी एक पर्सन का गैप बनाएंगे, तो ओ हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, ई के बगल में आ जाएगा फर्स्ट केस में ओ, राइट। ये बात आपको क्लियर होगी, तो इस कंडीशन को अब हम सेटिस्फाई करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में देखिए हमारे पास बी कहाँ पे बैठा था, सी के थर्ड राइट पे, तो ये हमारे पास सेकंड केस था ये वाला, तो इसमें अगर हम सी यहाँ पे है हमारे पास, तो इसका थर्ड राइट पे हम किसको बैठाएंगे, अब वी को बैठाएंगे, तो एक दो और तीन, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास वी, वी और हमारे पास जो टी है, राइट। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ पर्सन का गैप है। तो देखिए टी कहाँ पे बैठा था, यहाँ पे टी बैठा था एग्जैक्टली बिटवीन ओ और वी, जो ओ है और वी है उनके बीच में कौन बैठा है, अब टी बैठा है। तो देखिए हमारे पास टी और वी के बीच में कितना गैप आया, यहाँ पे सेवन का गैप आया, तो इसलिए हम टी और ओ के बीच में भी सेवन का गैप यहाँ पे सेकेंड केस में बना लेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छ और सात, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ। अब हम देखेंगे ओ और टी के बीच में काउंट करेंगे तब भी नंबर ऑफ पर्सन सेम होंगे, और टी और वी के बीच में काउंट करेंगे तब भी नंबर ऑफ पर्सन सेम रहेंगे। तो देखिए तो अब हम चेक करें अगर, तो टी और ओ के बीच में भी हमारे पास सात पर्सन बैठे थे और टी और वी के बीच में भी यहाँ पे सात पर्सन बैठे थे, तो हमारी सेकंड केस में भी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। तो कंडीशन को थर्ड केस में भी सेटिस्फाई करेंगे, तो हम हमारे पास यहाँ पे था सी, सी के थर्ड राइट पे कौन बैठा था, वी बैठा था, तो सी का थर्ड राइट कहाँ पे होगा इस केस में, थर्ड केस में एक दो तीन, तो यहाँ पे आ जाएगा वी। और यहाँ पे क्या बोला था, ओ और वी के एग्जैक्टली बिटवीन कौन बैठा है, टी बैठा है, तो इसका मतलब हमारे पास थर्ड केस में हमारे पास अगर हम टी के बगल में एक जगह छोड़ दें और यहाँ पे ओ को बैठा दें, तो हमारे पास तब कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही थी कि वी जो है वो सी के थर्ड राइट पे है और वी और ओ के बीच में कौन बैठ रहा है, टी बैठ रहा है, राइट। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी थर्ड केस में भी। अब हम करेंगे कंडीशन को सेटिस्फाई किस में, फोर्थ केस में। तो देखिए फोर्थ केस में क्या बोल रहा है कि हमारे पास सी है, सी के थर्ड राइट पे कौन बैठा है, यहाँ पे वी बैठा है, तो सी के थर्ड राइट पे वी को बैठा लेते हैं पहले, एक दो तीन, तो यहाँ पे आ जाएगा वी। और उसके बाद क्या बोला है, वी और ओ के एग्जैक्टली बिटवीन कौन बैठा है, हमारे पास टी बैठा है। तो देखिए यहाँ पे वी और टी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन थे, तो यहाँ पे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात पर्सन बैठे थे वी और टी के बीच में, तब हम टी और ओ के बीच में भी सात पर्सन बैठा देंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छ और सात, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारे पास, अब ओ आ जाएगा। टी जो था वो मिडल में आ रहा था किसके, ओ और वी के, राइट। तो हर एक केस में हमारे पास टी कहाँ पे आ गया, मिडल में आ गया, राइट। और सी के थर्ड राइट में कौन बैठा था, वी भी बैठ गया था, राइट।
तो यहाँ तक हमारे पास जो कंडीशन थी वो हर केस में हमारी सेटिस्फाई हो गई। इसके अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ के, जो के है उसके लेफ्ट में ओनली 3 ही पर्सन बैठे हैं, राइट। तो अगर हम फर्स्ट केस को देखें अब, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट केस में के कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे हमारा के आ रहा था। तो अगर हम के लेफ्ट में देखें इस डायरेक्शन में, तो के का लेफ्ट होगा ये और राइट होगा ये, क्योंकि के कर रहा था नॉर्थ की तरफ फेसिंग। तो के लेफ्ट में अगर हम काउंट करें तो नंबर ऑफ पर्सन 3 से ज्यादा आ रहे थे, तो इसका मतलब केस फर्स्ट जो है वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, रॉन्ग हो गया, क्योंकि के लेफ्ट में हमारे पास 3 से ज्यादा पर्सन बैठे थे। और इसी तरीके से अब हम देखेंगे केस नंबर सेकंड को, और केस नंबर सेकंड को भी देखें तो के हमारे पास ये था, हमारे पास सेकंड केस में के और इसका लेफ्ट था ये, इसका राइट था ये, क्योंकि के कर रहा था नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन। तो इसके लेफ्ट में काउंट करें तो देखिए नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 3 से ज्यादा आ रहे थे, तो इसका मतलब हमारा जो केस सेकेंड है वो भी क्या हो गया यहाँ पे, रॉन्ग हो गया। तो जो थर्ड केस है इसमें अगर हम चेक करें तो देखिए हमारे पास के जो लेफ्ट में देखिए 2 ही पर्सन बैठे थे, तो हम 1 पर्सन और यहाँ पे बैठा सकते थे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई कि के अगर हम थर्ड लेफ्ट में देखें और 1 पर्सन बैठा दे ई के आगे, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि के लेफ्ट में 3 पर्सन बैठे हैं, राइट। तो थर्ड केस में एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम देखते हैं फोर्थ केस में, तो देखिये फोर्थ जो केस था इसमें के आ रहा था यहाँ पे, और देखिए के लेफ्ट में हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन 3 से ज्यादा थे, तो हमारे पास जो फोर्थ केस है वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। आपको बात क्लियर हो चुकी होगी, हमने नंबर ऑफ केस क्यों ज्यादा बनाए, 4 केस क्यों बनाए थे, राइट। और इसके बाद अब आते हैं जी लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर, और यहाँ तक के तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ओ इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, जो ओ है वो सेकेंड लेफ्ट किसके बैठा है, आई के बैठा है। तो यहाँ पे अगर हम ओ के बगल में 1 सीट छोड़ के आई को बैठा दें, तो यहाँ पे हमारे पास आई के सेकेंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, हमारे पास ओ आ जाएगा, क्योंकि आई का लेफ्ट कहाँ पे होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, क्योंकि आई फेसिंग कर रहा था नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही थी, सबसे स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि हर एक पर्सन किस डायरेक्शन में फेसिंग कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग कर रहा है, राइट। तो सभी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमने जब डायग्राम बनाया तो हमें पता लगा जो हमारा केस नंबर 3 था वो हमारा राइट हो गया, बाकी हमारे पास फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो केस है वो हमारा रॉन्ग हो गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास थर्ड नंबर केस है इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे क्वेश्चंस के। हमारी कंडीशन को पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि हमारे पास केस नंबर 3 है वो राइट हो गया, बाकी सारे केस हमारे रॉन्ग हो गए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग इन द रो, हमारे पास कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं रो में। तो काउंट करते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो हमें पता लगा हमारे पास कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे थे यहाँ पे रो में, 17 पर्सन बैठे थे, तो 17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, जो ओ है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए हमारे पास ये था ओ और ओ फेस कर रहा था नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका लेफ्ट होगा ये और इसका राइट होगा ये, तो इसके सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे कौन बैठा था, टी बैठा था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ के सेकंड लेफ्ट में टी बैठा था, तो हमारा राइट आंसर हो गया टी। उसके बाद पढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन के एंड टी, जो के है और टी है इनके बीच में कितने नंबर पर्सन बैठे हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये थे डायग्राम, तो इसमें देखिए अब हम देखेंगे के कहाँ पे था, के था हमारे पास यहाँ पे और टी था हमारे पास यहाँ पे, राइट। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं वो काउंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो के और टी के बीच में 8 पर्सन बैठे थे। तो हम बता सकते हैं कि के और टी के बीच में कितने पर्सन बैठे थे, 8 पर्सन बैठे थे, तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद पढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है हमारे पास, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई अकॉर्डिंग टू गिवन अरेंजमेंट, हमें क्या बताना है यहाँ पे, आई की पोजीशन बतानी है इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, थर्ड टू द राइट ऑफ टी, जो आई है क्या वो थर्ड टू द राइट ऑफ टी है, तो देखिए हमारे पास ये था टी, तो इसके देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ राइट पे कौन आ रहा था, आई आ रहा था, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। अब पढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट को, सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, कि आई जो है वो एग्जैक्टली मिडल इन द रो है, तो देखिए हमारे पास
आई जो है सबसे लास्ट में आ रहा था, तो इसका मतलब वो मिडल में नहीं था, तो ये स्टेटमेंट में हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। अब उसके बाद क्या बोला है, सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, क्या वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो बैठा है? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये था रो का राइट, ये था हमारे पास रो का लेफ्ट। तो देखिए वो कहाँ पे बैठा था, एक्सट्रीम राइट हैंड पे बैठा था, तो यहाँ पे क्या लिखा था, लेफ्ट हैंड लिखा था, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा था, सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट हैंड ऑफ द रो, तो देखिए हमारे पास राइट हैंड पे आई आ रहा था और एक्सट्रीम राइट हैंड पे आ रहा था, तो इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी क्या थी, रॉन्ग थी, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। तो देखिए लास्ट जो क्वेश्चन आता हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, जो ई है उसके लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठ रहे हैं। देखिए हमारे पास ई था, ये ई हमारे पास नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर रहा था, इसका राइट होगा ये, लेफ्ट होगा ये, इसके लेफ्ट में काउंट करेंगे तो एक ही पर्सन बैठ रहा था, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि हमारे पास ई के लेफ्ट में 1 पर्सन बैठ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर 5 थी, जो हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये था आज हमने लिया हुआ लाइन पजल का एक क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि इसमें क्या क्या पूछा गया था, कैसे कैसे हमने डायग्राम को ड्रॉ करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो चलिए मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।